753 के आधार पर एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसका समग्र अस्तित्व ही आनंद आनंद और आनंद से भरा हुआ है। सो लेट्स इनवाइट अवधूत महायोगी परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा अनुलक्षित मस्त पकी श्री आनंद गंज जी महाराज। श्री आनंदगंज महाराज के आनंद का कारण उनकी प्रीति थी, पूर्णता के प्रति, परमात्मा के प्रति उनका अचल प्रेम ही उनके घन आनंद की मूल था। खेल दृष्टि से देखें तो आनंदगंज जी जंगल में अकेले विचरते योगी थे, लेकिन अंतर्दृष्टि से देखें तो परम आत्मा के सतत सहवास में तल्लीन परम भोगी थे। बाह्य दृष्टि से देखें तो संसार भोगों के त्यागी थे, लेकिन अंतर्दृष्टि से देखें तो आत्म गुणों के उपभोगी थे। बाह्य दृष्टि से देखें तो आनंदगंज 24 के रचयिता थे, लेकिन अंतर्दृष्टि से देखें तो आनंद के स्तोत्र में डूबा ऐसा अस्तित्व था जिसके मुंह से सरके हुए शब्द स्वयं काव्य का रूप ले लेते। ऐसे महायोगी श्री आनंदगंज जी परमात्मा प्रेम के अद्भुत रस में डूबे हुए परम प्रेमी थे। सामान्य लौकिक व्यक्ति के प्रेम में पड़ने पर भी हमारी खुमारी, हमारा आनंद अभिव्यक्ति से परे हो जाता है, तो शाश्वत के साथ जिसने प्रेम किया हो उसकी खुमारी का तो वर्णन शब्दातीत ही हो सकता है। शब्दों में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि उस दशा का वर्णन करें। आनंदगंज जी एक पद में लिखते हैं, मेरे प्राण आनंद घन, काम आनंद घन, प्राण आनंद घन, काम आनंद, मेरे मेरी जान हो तुम कृपालु प्रभु, मेरी
मेरी जान हो तुम कृपालु प्रभु जान बिना मैं कैसे जीऊं तेरे दम से है पहचान मेरी पहचान बिना मैं कैसे जीऊं मैं कैसे जीऊं मैं कैसे जीऊं मेरी जान हो तुम कृपालु प्रभु जान बिना मैं कैसे जीऊं तेरे दम Okay.
भक्त कहते हैं या भगवान कहते हैं कि सच्ची प्रीत सगाई, सच्चा संबंध कौन सा है, सच्चा आकर्षण कौन सा है, संबंध भी छोड़ो अट्रैक्शन सच्चा कौन सा है जिसके बाद रिपल्शन ना हो, विक धन खोई रे। लेकिन तुम्हारी सारी प्रीत कैसी है, सोपाधिक, कैसी है, अट्रैक्शन के बाद रिपल्शन वाली, और अट्रैक्शन के बाद रिपल्शन है इसलिए वह मनुष्य जीवन रूपी पूंजी को, मनुष्य जीवन रूपी धन को सतत खोती जा रही है। गाते हो ना तुम लोग, तारे हैं जो
मुश्किल से बचाते हमें, रक्षक हमारे हैं जो। जन्म लिया वह बढ़िया गाँव में, रवजी भाई और देवा बाकी छाँव में, वो है हमारे प्रभु राजचंद्र ने। छोटी उम्र उनकी थी 7 साल, उनको हुआ पिछले जन्मों का ज्ञान, एक दो नहीं पूरे 800 जन्मों का, कहते हैं जिसे जाति स्मरण ज्ञान, कहते हैं जिसे जाति स्मरण ज्ञान। काम ऐसे अद्भुत उन्होंने किए, 100 काम एक ही साथ कर दिए, श्रीमन जी ने शताब खान किया सब। जो पाना है वो तुम्हारे अंदर कहीं कहीं तुम्हारे भीतर ही छुपा पड़ा है, बस तुम्हें मालूम नहीं। इसलिए तुम इस यात्रा को लीनियर पाथ बना के बैठे हो कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन देयर इज नो एंड टू इट। लेकिन मोक्ष मार्ग श्रीमद ने जो हमें बताया उसमें तो यही कहा कि हर क्षण तुम परिधि पर हो, परिधि सरकमफ्रेंस, हर क्षण तुम सरकमफ्रेंस के ऊपर हो। एनी टाइम यू कैन स्लिप इनसाइड, यू कैन टेक अ पॉज, यू कैन कम बैक इनसाइड, और तुम जान सकते हो कि तुम राइट नाउ अशुद्ध प्रेम में हो या शुद्ध प्रेम में। अगर तुम अशुद्ध प्रेम में हो तो क्या इज इट योर डिफीट? अगर तुम अशुद्ध प्रेम में हो तो इज इट योर डिफीट? नो। क्या करना है? जस्ट कन्वर्ट इट, मेक इट निष्काम, अनकंडीशनल प्रेम उसे बना दो, निष्काम कृत्य बना दो, और फिर देखो तुम्हारा केंद्र की तरफ सरकना, सेंटर की तरफ सरकना, इट इज सो इजी। एंड दैट्स व्हाई ये मोक्ष मार्ग ज्ञानी कहते हैं सिंपल है। तुम लीनियर पाथ देखो तो बहुत टफ है, इजंट इट? अगर तुम कहो कि मोक्ष मार्ग पे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे सब कुछ क्रमिक विकास चाहिए, तो एक क्रमिक विकास तो हर किसी की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन तुम कहो इट इज जस्ट रिटर्निंग एट द सेंटर, लौट चले केंद्र की ओर, रिटर्निंग राजतारु शरण, राजतारु शरण, भव्य जीवों ने भगवन बनावे, राजतारु स्मरण, राजतारु स्मरण, सिद्ध पदनी तमन्ना जगाड़े, पूरे वर्ल्ड पर तो हमारी सत्ता चल रही है, डर किसका है? अरे हम सब यहाँ कॉन्फिडेंस में बैठे रह गए, और वहाँ सत्पुरुषों की सेवा सतत कार्यशील है। मैंने तुम सबको पहले ही कहा था, मत जाने दो शरण में, तुम लोगों ने कहा था थोड़ा ध्यान कर लेंगे, थोड़ा सेवा भक्ति कर लेंगे, थोड़ा सत्संग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? देवी है इसका परिणाम। त्रिशा जनरेशन प्रीतम माला, प्रीतम माला गाते गाते मेरी खुशियाँ मुझसे हमेशा दो कदम आगे ही रही, और मैं हमेशा उसके पीछे दौड़ लगाती रही। जिंदगी सेवा की कोई टेंशन नहीं, शिविर सत्संग के लिए भागम भाग नहीं। दो वर्ल्ड जिसमें हर पल सभी कुछ बदल रहा है, ऐसे बदलते वर्ल्ड के टॉप पर रहने रहकर मुझे मिला क्या? इतना मजा आता है अपनी नाम दूसरे रखकर चलने पर, दूसरों को अपने इशारों पर नचाने पर, दूसरों को इशारों पर नचाने के लिए पहले खुद भी तो नचना पड़ता है। छोटी
की बातों के अनुसार कैसे चुपके से आ जाता है ये मुझे अब पता चला। झूठे सुख के वायदे कर इन्हें असली सुख से वंचित रखा है, पर अब इन साधकों ने सदगुरु का शरण लिया है एंड अकॉर्डिंग टू श्रीमद राजचंद्र विष्णामृत 76 एक सदपुरुष को राजी करने में, उनकी सर्व इच्छा पूरी करने में, उनके वचन को सत्य मानने में पूरी जिंदगी गई हो तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 15 भवों में अवश्य मोक्ष मिलेगा। कृपालु सबारे हम साथियों हम पिता जान सन साथियों अब कृपालु हवाले हम साथियों नहीं चलना है रोल हमारा साथियों अब कृपालु हवाले हम साथियों जय कृपालु धर्म मीन्स अध्यात्म मीन्स सुख। कहीं सुख छोड़ने की तो बात ही मत करना था, कहीं सुख छोड़कर हम लोग अपना सुख छोड़ नहीं रहे, बट हम लोग अपना सुख इनफैक्ट शाश्वत इटर्नल करने जा रहे हैं। डोंट से के रिनंसिएशन मीन्स सुख को छोड़ना, इस तरह रिनंसिएशन मतलब जगत का त्याग मतलब सुख को छोड़ना, ऐसा नहीं। मैं आप आपको बोलती हूँ रिनंसिएशन मीन्स इट डजेंट मीन कि यू आर लिविंग योर सुख, बट इट मीन्स री अनाउंसिंग टू द वर्ल्ड दैट अब मेरे सुख के स्तोत्र बदल रहे हैं। अब तक जिन व्यक्तियों विषयों से मुझे सुख आता था, अब यह सुख मुझे मेरे सत्संग, मेरी भक्ति, मेरे निष्काम प्रेम में से यह सुख मुझे मिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड री अनाउंसिंग। वंस अगेन यू आर अनाउंसिंग दैट आई एम नॉट लिविंग सुख, बट आई एम लिविंग इन सुख। द जर्नी हैज टू बी प्लेजेंट। तुम जानते हो ये तो सूत्र है, बोर्ड करते हो तुम फ्लाइट या ट्रेन तो व्हाट इज द पंचलाइन, हैव अ प्लेजेंट। कोई कहते हैव अ प्लेजेंट डेस्टिनेशन। ये मूर्खता तो हम लोगों ने खड़ी की है कि मोक्ष जाकर आनंद में आएंगे और यात्रा में दुखी रहो। जर्नी हैज टू बी प्लेजेंट। चित पुण्य में भाग सभी का हो
का